इसमें कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है, यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है इसमें, 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स की एएमसीज हैं। फोर्टी फाइव म्यूचुअल फंड कंपनीज, असेट मैनेजमेंट कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड दे आर ऑल्सो हैविंग एसोसिएशन। दे एम्फी कंडक्ट्स द रिसर्च, एम्फी को क्या करना है, दे अंडरटेक द रिसर्च डायरेक्टली। उन लोगों को रिसर्च करना है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ कैंसलेशन ऑफ ए आर एन। सपोज किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने मतलब डेलिब्रेटली किसी से परचेज करवाया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का अगर हम लोग किसी से जबरदस्ती कोई म्यूचुअल फंड परचेज करवाते हैं या इन्वेस्टर को पसंद नहीं था, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का ए आर एन कोड होता है, एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो कैंसिल किया जाता है। ये एमफी कैंसिल कर देती है वो एआरएन नंबर विल बी कैंसिल्ड, एआरएन नंबर विल बी कैंसिल्ड बाय एमफी फॉर वायोलेशंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, यहाँ पे सेमिनार्स रखे जाते हैं, इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। म्यूचुअल फंड्स के बारे में यहाँ पे हम लोग मैटर्स डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे एमफी को या एमफी के अंदर 45 कंपनीज जो हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जब भी एमफी को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, आरबीआई को रिपोर्ट करना है एंड अदर बॉडीज रिलेटिंग टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एमफी विल इंटरैक्ट विद गवर्नमेंट, आरबीआई, सेबी। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है कैपिटल मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, तो ये प्रॉब्लम्स किसके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ हमारा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम होती है हम पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम हमें बताते हैं। यहाँ पे जो 45 कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जिस जब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये किसको बताएंगे, दे विल इंटरैक्ट विद सेबी, दे विल इंटरैक्ट विद गवर्नमेंट, दे विल इंटरैक्ट विद आरबीआई। इसके बाद इसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एमफी से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 50-55 मार्क्स आप स्कोर करते हो दो ही पासिंग पास होते हो आप, ठीक है। और सेमिनार्स रखे जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल फंड्स का। एमफी का क्या फंक्शन है, सुपरवाइज करना, ठीक है, स्टडी करना कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड रिसर्च इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे जो कमिटीज है वो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज होंगी, एक आदित्य बिरला फंड का होगा, एक महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा का, महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का होगा, एक एक्सिस बैंक असेट मैनेजमेंट कंपनी होगा, कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड से एक मेंबर होगा। तो कमिटी के अंदर 45 मेंबर्स होंगे और सब अलग अलग म्यूचुअल फंड से होंगे, ठीक है। एमफी की डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमेटी बनेगी और यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की कमेटी बनेगी, यानी कि इनको पढ़ाना है, इनको मार्केट में समझाना है कि ये म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स हैं, इसमें क्या टैक्सेशन होती है, कैसे डिविडेंड मिलता है, सब इसमें समझाया जाएगा। एसआईपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी का काम करना होता है एमफी को, ठीक है। तो एक कमेटी बनाएंगे ये लोग, लिटरेसी कमेटी, जो लेक्चर्स देगी और समझाएगी कि म्यूचुअल फंड्स में आप कैसे इन्वेस्ट करें, उसमें से
सबसे ज्यादा अवेयरनेस SBI म्यूचुअल फंड, कैनरा, रोबेको, ये लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑलरेडी रखे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमेटी बनाई, ETF की कमेटी बनाई है उन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए, ETF के लिए, और कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में, यानी कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है या रिस्क मैनेज करना होता है, जैसे हेजिंग करने के लिए कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं अपना लॉस कवर करने के लिए, और लास्ट में एक वैल्यूएशन कमेटी होगी। वैल्यूएशन कमेटी में सब जो NAV कैलकुलेट करने वाले हैं होते हैं ना एक्सपर्ट्स, उन सबको बिठाया जाएगा, क्योंकि ऑन डेली बेसिस दे आर सपोज टू कैलकुलेट द NAV। तो NAV के लिए भी अलग अलग म्यूचुअल फंड से एक एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ठीक है। उनका नाम भी वहां पे कमेटी में न लिखा जाएगा, एक डेजिग्नेशन होगी। और ये कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी से है, HDFC से है या आदित्य बिरला से है, ये सब उनके नाम के सामने लिखा जाएगा, डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड। उसके बाद ये कमिटीज क्या क्या करेंगे, ये कमिटीज जो जो उनका रोल है, जैसे कोई वैल्यूएशन कमेटी है उसको वैल्यूएशन करना है, जो लिटरेसी कमेटी है, फाइनेंशियल लिटरेसी कमेटी है, उसको समझाना है कौन से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, तो ये कोड ऑफ एथिक्स बताते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनको ARN कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ARN कैन बी कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ वायोलेशंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो उन्होंने डूज एंड डोंट्स बोले हैं, जो करना है जो नहीं करना है वो सब फॉलो करके आगे हम लोग को, अगर हम लोग ये वायोलेट करते हैं तो हमारा ARN यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो सकता है।